पिछला वीडियो जो अशोक लेलैंड कंपनी के ऊपर था आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसीलिए आज का वीडियो एक दूसरा बड़ा कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के को फाउंडर थे जगदीश चंद्र महिंद्रा, उनके भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा और गुलाम मोहम्मद। जगदीश चंद्र महिंद्रा का जन्म हुआ था लुधियाना पंजाब में 1892 में। 9 भाई बहन में से वो सबसे बड़े थे। उन लोगों ने बहुत कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। इसी वजह से पूरे परिवार की जिम्मेदारी बड़े भाई जगदीश चंद्र महिंद्रा के ऊपर आ गई थी। वो शिक्षा की शक्ति में पूरा विश्वास रखते थे और इसीलिए अपने भाई बहन को कड़ी मेहनत का अध्ययन करवाया। उनके भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा को उन्होंने उसी जमाने में लंदन भेजे थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अध्ययन के लिए, लेकिन खुद मुंबई के वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग डिग्री हासिल की। ये कॉलेज एशिया का सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। इंजीनियर बनने पर उन्होंने अपना करियर टाटा स्टील कंपनी में शुरू किया। वहाँ पर वो साल 1929 से 1940 तक सीनियर सेल्स मैनेजर बने रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब स्टील इंडस्ट्री महत्वपूर्ण बन गए तब भारत सरकार ने उन्हें भारत का पहला स्टील कंट्रोलर नियुक्त किया। जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद होने जा रहे थे तब उन्हें पूर्वाभास हो गया था कि भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को नए से बनी देश के विकास में योगदान देने का अच्छा अच्छा अवसर मिलने वाला है। इसीलिए उन्होंने लुधियाना में साल 1945 में अपने भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर पार्टनरशिप में एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी महिंद्रा एंड मोहम्मद की स्थापना किया। इसके 2 साल बाद जब भारत को आज़ादी मिला और पाकिस्तान का गठन हुआ तब मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और वहां का पहला वित्त मंत्री बने। और इसके 1 साल बाद यानी कि 1948 में उस कंपनी ने अपना नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा किया। इसके तुरंत बाद ही जैसे जगदीश चंद्र महिंद्रा ने सोचा था उनको अच्छे अच्छे अवसर दिखाई देने लगे, इसीलिए उन्होंने अमेरिका के विलिस जिप्स से लाइसेंस लेकर भारत में उन जिप्स का असेंबली करके बेचने लगे और जल्द ही भारत का जिप निर्माता भी बन गए। इसके बाद उनका ध्यान गया हल्के व्यावसायिक वाहन और ट्रैक्टर्स पर और इस श्रेणी के वाहन बनाने लगे। इसी बीच साल 1951 में इस कंपनी के प्रमुख को फाउंडर जगदीश चंद्र महिंद्रा की हार्ट अटैक में मौत हो गई, लेकिन उनका कंपनी निरंतर आगे चलता ही गया और भारत का एक प्रमुख ऑटोमोबाइल उद्योग बन गया। साल 2008 में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने काइनेटिक मोटर्स कंपनी का ज़्यादातर शेयर खरीदकर टू व्हीलर उद्योग में भी दाखिल हो गया। इसके 2 साल बाद रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी को खरीदकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उद्योग में भी दाखिल हो गया और 1 साल बाद साउथ कोरिया के सांगयोंग मोटर कंपनी का भी 70% शेयर हासिल करके महिंद्रा एंड महिंद्रा दुनिया का एक बहुत बड़ा कंपनी बनने की दिशा में अग्रसर होता ही जा रहा है। तो ये था एक बहुत बड़ा कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा का इतिहास। आगे और भी कंपनीज का वीडियो और बहुत सारे दूसरे रहस्यमय वीडियोस लेकर हम हाजिर होंगे। अगर आप इस चैनल का कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।